No, 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 no. आपको पोचिंग की नहीं पता? पोचिंग की नहीं पता? अरे पोचिंग की, अरे अंकल हो इधर है, पता है यासना पोले ना वाले डोमिनिक क्या? हाँ, अरे डोमिनिक नहीं, अरे आपका नहीं, हमारा भी नाइट सेंटर रोली में है ना? नहीं नहीं, और रोजो के इधर है, रोजो, अरे अंकल रोजो नहीं पता उधर का। यो व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हो यार सब लोग? सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं पबजी मोबो के एक और नए एपिसोड में। एंड गाइस, आज हम लोग बात करने वाले फ्लेयर गन के बारे में। सो गाइस, तुम लोग इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यार आज तुम लोगों को कुछ नई चीज़ों के बारे में पता चलने वाला है। तो यार, जो मेरे चैनल पर नया है यार, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यार मैं तुम लोग के लिए इसी तरह के अमेजिंग वीडियोज लाता रहता हूँ। तो चलो फिर यार शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोगों को फ्लेयर गन कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो बेसिकली यार, फ्लेयर गन तुम लोगों को वहाँ मिल जाएगा जहाँ हॉट ड्रॉप्स होते हैं। तो जिसको भी हॉट ड्रॉप्स नहीं पता, तो मैं उसको बता देता हूँ, जहाँ बहुत सारे बंदे उतरते हैं, लाइक जॉर्ज पुल, मिलिट्री बेस। तो यार इसी सब जगहों पे तुम लोगों को फ्लेयर गन मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यार मुझे जो जहाँ जहाँ फ्लेयर गन मिला है वो जॉर्जो पुल है। जॉर्जो पुल में दो फ्लेयर गन मुझे मिला है, मिलिट्री बेस में एक फ्लेयर गन मिला है, एंड माल्टा पावर एक है, उसमें भी हम लोगों को एक फ्लेयर गन मिला है। सो गाइस, हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को एक गेम में कितने फ्लेयर गन्स मिलते हैं। तो मुझे जैसा पता है कि एक गेम में बेसिकली तुम लोगों को गाइस बस 3 फ्लेयर गन मिलेंगे। एंड तुम लोगों को पता है यार कि अगर सभी को फ्लेयर गन मिलने लगा तो यार गेम बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। सभी के पास AWM होंगे, सभी के पास स्नाइपर्स होंगे, तो यार समझ ही सकते हो। और वैसे भी फ्लेयर गन के आने के बाद भाई बहुत ज़्यादा गेम टफ हो गया। सो गाइज यार, नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले, वो बात करने वाले हैं फ्लेयर गन को हम लोग अगर एयर में फायर करें तो क्या होगा, एंड फ्लेयर गन को अगर ग्राउंड पे फायर करें तो क्या होगा। तो बेसिकली कल मैं खेल रहा था, एंड यार गलती से मेरे से एक्सपेरिमेंट हो गया, और मैंने सोचा कि तुम लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार भाई ये ज़रूर यार तुम लोगों को हेल्प करेगा। अगर तुम लोग ऐसा सोचते भी हो कि यार ऐसा करूँगा तो क्या होगा, तो ये वीडियो तुम लोगों को थोड़ा हेल्प कर सकता है। तो बेसिकली अगर तुम लोगों को पता है, तो वाइट सर्कल में अगर तुम एयर में फायर करो तो तुम्हें मिलेगा एक ड्रॉप, जिसमें कि स्नाइपर या मशीन गन्स वगैरह हो सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे, अगर हम लोग ब्लू सर्कल में अगर फायर करें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एक यूजी कार मिलता है, तुम लोगों को सबको पता है। तो ये हो गई बात हो गई अपने एयर की। अगर हम लोग यार ग्राउंड में फायर करें तो क्या होगा, तो बेसिकली मुझे मिला था जॉर्जो पुल पे गन मिला था, और फ्लेयर गन मिला था, और मैंने उसे अनजाने में ही सही मैंने ग्राउंड पे चलाया, और कुछ नहीं हुआ यार, मतलब बस ग्राउंड पे जा करके रेड रे जो निकलता है वो जाके लगा, और कुछ देर वहाँ पे रहा, और बहुत देर हम लोगों ने वेट किया, और मेरे पार्टनर ने वेट किया, और भाई वो बंदा पूछ रहा था भाई क्या हो गया यार, तुमने ग्राउंड पे फायर कर दिया। तो इसीलिए गाइस, तो तुम लोगों के लिए ये एक सजेशन है, तुम लोग यार ग्राउंड पे फायर मत करना, या फिर एयर में छोड़ करके कहीं भी यार, पानी हो या फिर ग्राउंड हो, कहीं भी फायर मत करना यार, नहीं मिलता है, ठीक है? या फिर घर के अंदर कुछ नहीं मिलेगा जब तक यार अपने प्लेन को यार डायरेक्शन पता नहीं चलेगा कि यार फ्लेयर गन मतलब ड्रॉप कहाँ डालना है, तब तक यार तुम लोगों को ड्रॉप नहीं मिलेगा। तो यार ये गलती तुम लोग बिल्कुल मत करना, बेसिकली ये एक सजेशन वीडियो था। तो यार नेक्स्ट जो बात करेंगे, वो बात करेंगे अपने यूजी कार को लेकर के। बहुत सारे को यार ये गलत फहमी है कि हम लोगों को एक बुलेट प्रूफ कार मिलती है अगर ब्लू जोन में हम लोग यार फ्लेयर गन को फायर करें। तो यार तुम लोगों का आज मैं कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ, क्योंकि यार गाइज ऐसा कुछ नहीं है कि यार एक बुलेट प्रूफ कार है, उसके अंदर आप बैठ जाओ तो आपको कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि यार बेसिकली कल मैं खेल रहा था, एंड मुझे यूजी कार मिली, और मैं ड्राइव करके जा रहा था जोन में, बहुत सारे बंदे ने फायर किया, और भाई मेरी हेल्थ आधी हो गई, मतलब तुम लोग सोच सकते हो। तो यार इससे पता चलता है कि अपनी जो यूजी कार है वो ऐसा कुछ नहीं है कि बुलेट प्रूफ है, कि आप उसके अंदर बैठ जाओ तो आपको कुछ नहीं होने वाला। तो आज मैं बेसिकली आपको बताने वाला था कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है? फ्लेयर गन के बारे में मैंने बताया, और यूजी कार के बारे में, तो आप लोगों का गलत फहमी दूर हो गया होगा। अगर आप सोच रहे होगे कि यार वेट कर लेते हैं यार, हम लोग ब्लू जोन के बाहर फायर करेंगे एंड यूजी कार लेके जाएंगे जोन में, हम लोगों को कुछ नहीं होगा, तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं, गलत फहमी है तुम लोगों का,
इससे अच्छा तुम यार वाइट सर्कल के अंदर ड्रॉप करके फ्लेयर गन फायर करके यार तुम ड्रॉप ले लो, वो सही है, पर यूजी कार मत लेना भाई। मेरा पर्सनल सजेशन है यार भाई, उससे कुछ नहीं होता, बस तुम्हें एक कार मिलेगी जिस पे बैठ के तुम जोन तक जा सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो बेसिकली यही थी आज वाली वीडियो। अगर यार तुमको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, एंड अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करना, और कोई सजेशन हो तो भी कमेंट करना। तो मिलता है तुम लोग समय अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।